हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए कढ़ी बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए या सामग्री चाहिए वो ये है। ये मैंने प्याज को दो मध्यम आकार के प्याज ली है जिसको मैंने काट लिया है बारीक, और इसमें ही मैंने लहसुन भी छील कर काट लिया है बारीक, और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने काटी है क्योंकि हम रेड चिल्ली को अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची दो तीन काट ली है, आप अपने स्वाद अनुसार काट लें। यहाँ पे मैंने दो मध्यम आकार के टमाटर काटे हैं। वैसे दोस्तों लोग कहते हैं कि कड़ी खट्टी होती है तो टमाटर नहीं डलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ टमाटर डलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये सूखे मसाले हैं जो कि तड़के में डलते हैं शुरू में ही। तो इसमें सूखे मसालों में दोस्तों आप देखिए, ये जीरा है और सरसों है और सूखी मेथी के दाने हैं और ये सूखी लाल मिर्च है और ये थोड़े ड्राई मसाले हैं पाउडर। ये हमने सूखा धनिया लिया है, सूखे धनिया का पाउडर, सूखा धनिया मसाला, और ये नमक है, नमक अपने स्वाद अनुसार ले, और हल्दी है, पिसी हुई हल्दी है। और दोस्तों ये मैंने इसमें पकोड़े का भी इस्तेमाल होता है, कड़ी में पकोड़े हमेशा डलते हैं और जिससे कि बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये पकोड़े बनाने के लिए दोस्तों, ये पकोड़े बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें खाली बेसन और नमक का इस्तेमाल होता है। नमक और बेसन का पतला घोल बनाएं और उसे इन पकौड़ों को बना लें। और दोस्तों इसमें आप फॉर्चून का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्चून हमारे लिए थोड़ा हल्का तेल होता है, लाइट ऑयल। और दोस्तों ये मैंने एक घोल बनाया है जो कि कड़ी में इस्तेमाल होगा। इसमें मैंने दही लिए और एक डेढ़ गिलास पानी लिया है, और इसमें मैंने दो तीन चम्मच बेसन के डाले हैं और उसको मैंने सही से रफड़ लिया है, हिला लिया है। तो आप अपने अनुसार इसको वो कर सकते हैं, मतलब दही की जगह आप लस्सी को ले सकते हैं। लस्सी से भी दही अच्छी बनती है, लस्सी से भी कढ़ी अच्छी बनती है और दही से भी। तो दोस्तों चलो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम गैस ऑन करते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन रखा, गैस ऑन कर लिया और पैन रखा। प्लीज दोस्तों ये आप कढ़ी अपने घर में जरूर बना के देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कढ़ी आपको कैसी लगी, और प्लीज इसमें टमाटर डाल के बनाएं और फिर इसका स्वाद देखें। तो दोस्तों पैन गर्म हो गया हमारी, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं क्योंकि ये फाइव लेयर नो कोटिंग का पैन है, तो इसमें कम तेल डालें। ये मैंने थोड़े ज्यादा डाला तेल क्योंकि इसमें प्याज टमाटर भूनेगा इसलिए। तो दोस्तों तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तो आप देख रहे हैं इसमें तेल गर्म हो रहा है। और दोस्तों नॉन स्टिक आपके पास जितने भी पैन है तो उसमें आप लकड़ी का या वुडन स्पैचुला ही यूज करें, तो नॉन स्टिक बर्तन खराब हो जाते हैं, स्क्रैचेस लग जाते हैं। तो दोस्तों हमारा तेल हम गरम हो गया या नहीं हम देखेंगे इसको चेक करके। तो हम इसमें जीरा डाल के देखेंगे, तो क्रैक हो रहा है धीरे धीरे। तो हम इसमें अपना ये सूखा मसाला डाल देंगे। दोस्तों वैसे काफी जगह ऐसा, मतलब कढ़ी को पहले बॉईल करके मतलब बाद में तड़का मारा जाता है, लेकिन मैं शुरू में तड़का मारती हूँ। एक बार ऐसा करके देखिए, और आप इस मसाले में कड़ी पत्ता भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास कड़ी पत्ता था नहीं इसलिए मैंने उसको अवॉइड करा। अब ये भूनते ही हमने प्याज डाल दिए, प्याज और लहसुन, आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हम इसको प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे अच्छे से।
रिलेटेड हो तो बन गए। सर्दियों में गरम गरम कढ़ी बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे घर पे तो कढ़ी खाना सारे पसंद करते हैं। हमारे घर में हफ्ते में एक बार कढ़ी जरूर बन जाती है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्याज का कलर बदल रहा है, प्याज का रंग जब अच्छी तरह से थोड़ा गुलाबी या हो जाए तो गुलाबी, फिर आप इसमें टमाटर रख दीजिए। देखिए दोस्तों हमारे प्याज भून रही है धीरे धीरे और ये गुलाबी रंग की हल्के गुलाबी रंग की हो गई है। तो इस समय हम इसमें अपने टमाटर और प्याज को ऐड करेंगे, टमाटर और हरी मिर्च को ऐड करेंगे और आप गैस पर उनको कर देंगे क्योंकि टमाटर पकने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे अच्छे से और अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे जिससे कि टमाटर भून जाएगा। फिर हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे डाल देंगे। देखिए दोस्तों अब हमारा मसाला पक गया है, टमाटर थोड़ा सा घुट गए हैं और अब आप इसको थोड़ा मैश कर देंगे। इसको ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, कढ़ी में इसका बहुत अच्छा रंग आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए दोस्तों ये हमने मैश कर लिया है प्याज टमाटर जो भी हमने भूना था मसाला, अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। अपने स्वाद अनुसार आप ले लें नमक, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। हम कम मसाले डालते हैं इसलिए हमने तीन ही लिए हैं, बाकी आप इसमें अपने अनुसार गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं और रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने हल्दी, नमक और धनिया पाउडर तीनों चीज़ें डाल दिए और अब यहाँ पर सूखे मसाले डालने के बाद हमें थोड़ा सा पानी यूज़ करना चाहिए जिससे कि मसाले अच्छे से घुल जाते हैं। तो अब आप इन मसालों को थोड़ी देर पकने दें। दोस्तों हमारे मसाले पक गए हैं अच्छे तरीके से और अब हम इसमें अपना जो हमने घोल बनाया था दही पानी और बेसन का वो घोल हम इसमें धीरे से सावधानी पूर्वक डाल देंगे। हम यहाँ पे इसको धीरे धीरे हिला लेंगे और हमें यहाँ पे थोड़ा पानी और ऐड करना है। आप इसमें एक दो गिलास आराम से पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि अगर दही आपने खट्टी ली है तो पानी ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो कम ऐड करना पड़ेगा सादी ली है तो। तो देखिए दोस्तों अब इसमें थोड़ा हमारी कढ़ी का कलर हल्का है तो अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ जिससे कि कलर और अच्छा आएगा और हल्दी
हल्दी तो एंटीऑक्सीडेंट होती है दोस्तों, आप ज्यादा खाएंगे तो आपके लिए अच्छी ही होगी। तो दोस्तों अब हम इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे, उबलने का इसका इंतजार करेंगे। देखिए दोस्तों अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया हमारी कढ़ी में, तब हम इसको थोड़ा सिम कर देंगे। जैसे इसमें उबाल आता है तो इसमें उबाल आती है दोस्तों, हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पकोड़ों को ज्यादा कम कर सकते हैं, अगर आपको पकोड़े पसंद नहीं है तो आप बिना पकोड़े के भी कढ़ी बना सकते हैं। हमारी फैमिली को पकोड़े वाली कढ़ी ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ज्यादा पकोड़े डालती हूँ। और दोस्तों ध्यान दो कि अगर कढ़ी में मतलब आपको कढ़ी स्वादिष्ट बनानी है तो इसके लिए आप लस्सी या दही जो भी हो खट्टी लें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों प्लीज आप इस कढ़ी को एक बार घर में जरूर बना के देखना, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज। तो दोस्तों आप इस कढ़ी को जरूर अपने घर में एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों अब इसमें हमने मतलब इसमें उबाल आ रखा था तो अब हमने इसको सिम कर दिया था, तो एक बार और हमने तेज गैस कर दी। तो देखिए अब इसमें फिर से उबाल आना शुरू हो गया, और अच्छे से जब उबाल आ जाए तो फिर से इसको कम गैस कर दें, सिम पे कर दें थोड़ा, सिम से थोड़ा तेज मध्यम पे रखें। और दोस्तों देखिए अब उबाल आना शुरू हो गया, तो अब यहाँ पे हम अपने कढ़ी की गैस कम कर देंगे, और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम भी आधा घंटा, जिसमें कि बेसन अच्छी तरह से पक जाएगा तो कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसको ढक के छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने 15 मिनट बाद अपनी कढ़ी को हिला लिया था, और अब आधा घंटा इस कढ़ी को चलते उबलते हुए हो गया है, तो हमारी कढ़ी बिल्कुल बन के रेडी है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म परोस देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई थी, जिसको कि मैंने अब सर्व कर दिया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चावल, अपने स्वाद अनुसार चावल या रोटी के साथ परोसें। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो।